हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। नंबर एंड देयर ऑपरेशंस, कल हमने इसके नंबर्स के बारे में जाना था। प्लेस वैल्यू चार्ट देखे थे, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट टू थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो है, राइट द नंबर नेम लिखने हैं फॉलोइंग नंबर इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। पहला जो नंबर दिया है उसे पहले हम इंडियन सिस्टम से लिख रहे हैं। इंडियन सिस्टम से लिखने के लिए पहला कॉमा पीछे से काउंट करके 3 के बाद लगाते हैं, उसके बाद दूसरा कॉमा 2 के बाद इस तरीके से दो दो रेट काउंट करके कॉमा लगाते जाते हैं। तो ये हमारा बना 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000, 10,000,000, 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 10,000,
31, ये तीनों डेट एक साथ पढ़नी होती है। आप इसे इंटरनेशनल से जब लिखेंगे तो तीन तीन के बाद कॉमा लगानी है पीछे से, पहला कॉमा 1000 का और दूसरा कॉमा मिलियन का रहेगा। तो 23,520 तीनों डेट एक साथ पढ़ेंगे, 1000 फिर 231, इस तरीके से हम दोनों इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में अपने आंसर दे देंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन का ही सी वाला पार्ट देखते हैं। सी वाला जो है उसमें एक डिजिट दे रखी है, पहले हम उसे इंडियन सिस्टम से पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते जाएंगे। तो ये जो गया हमारा 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 अरब, तो ये 8 अरब तक जाएगा। 8 अरब, 92 दो डिजिट एक साथ पढ़नी है, करोड़, 25 लाख, 85,000 और 85,000 के बाद तीनों डेट एक साथ पढ़ेंगे, 863। अब इसे इंटरनेशनल में लिखने के लिए तीन तीन के बाद कॉमा लगा लेंगे, पहला कॉमा 1000 रहता है, दूसरा मिलियन, तीसरा बिलियन, तो 8 बिलियन बनेगा, 922,000,000, 585,000 और 863, ये आंसर हो जाएगा इंडियन और इंटरनेशनल दोनों सिस्टम में। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नंबर नेम फॉर द न्यूमेरल, एक न्यूमेरल दिया हुआ है उसका करेक्ट नंबर नेम हमें तीन ऑप्शन दिए हैं उसमें से छांटना है। तो हम उस नंबर नेम में, क्योंकि तीनों ऑप्शन इंडियन सिस्टम में है तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमाज लगाएंगे। तो सबसे पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद लगेगा, फिर 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद, तो हमारा जो बैठता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, तो उसके बाद हमारा 5 अरब बैठेगा। ऑप्शन में देखेंगे हम 5 अरब बी वाले में लिखा हुआ है, तो हमें इसका पूरा नंबर नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप अपनी बुक में ही टिक लगा सकते हैं कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 5 अरब, 95 करोड़, 90 लाख, 53,246 इस नंबर का नेम रहेगा।